सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स कह रहे हैं कि ये दृश्य हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सिपाहियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कुछ सैनिक घायल भी हो गए। ये वीडियो इसी घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। वहीं और भी कई ट्विटर यूजर्स ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि जब ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की तफ्तीश की तो पाया कि ये दावा सरासर गलत है। वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें 31 मई 2020 को यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड किया हुआ मिला। टाइटल के मुताबिक ये वीडियो लद्दाख के पेंगोंग लेक में भारत और चीन के सिपाहियों के बीच हुई झड़प का है। इंडिया टुडे के पत्रकार शिव अरुण ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए इसे मई 2020 के आखिर का बताया था। ऑल्ट न्यूज अपने दर्शकों को बता दे कि 15 जून 2020 को भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में विवाद हुआ था, जिसमें 20 भारतीय सिपाहियों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी ये वीडियो शेयर किया जा रहा था और उस वक्त भी ऑल्ट न्यूज ने इसकी असलियत सामने रखी थी, यानी ये वीडियो हाल में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का नहीं है।